आज का हमारा टॉपिक है विटामिन ए। विटामिन ए में दो होता है, एक होता है प्रीफॉर्म विटामिन जिसको हम रेटिनॉल बोलते हैं, एक होता है प्रो विटामिन जिसको हम बेटा कैरोटीन बोलते हैं। तो सोर्स क्या होता है विटामिन ए का? प्रीफॉर्म और प्रो विटामिन। प्रीफॉर्म क्या बोलते हैं? रेटिनॉल, और प्रो विटामिन को बीटा कैरोटीन। ठीक है, तब हम सोर्स देखते हैं, सोर्स क्या क्या होता है, सोर्स ऑफ विटामिन ए। तो एक रेटिनॉल और बीटा कैरोटीन, रेटिनॉल एनिमल फूड से मिलता है और बीटा कैरोटीन यानी कि प्लांट फूड से मिलता है। एनिमल फूड में सबसे मतलब क्या बोलते हैं, रिचेस्ट सोर्स क्या होता है विटामिन ए का? तो हेलीबर्ट फिश लीवर ऑयल रिचेस्ट सोर्स होता है। हेलीबर्ट फिश लीवर ऑयल जो होता है रिचेस्ट सोर्स होता है विटामिन ए का। ठीक है, हेलीबर्ट फिश लीवर ऑयल। फिर उसके बाद उसके अलावा लीवर हो गया, मीट हो गया, एग हो गया, बटर, मिल्क चीज़, मतलब जो भी मिल्क प्रोडक्ट होता है तो उसमें विटामिन ए मिलता है। तो रिसेस सोर्स क्या होता है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, हेलीबर्ट फिश लीवर ऑयल। रेटिनॉल का रिसेस सोर्स भी बहुत बार पूछ देता है। अब अगला हमारा है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन जो होता है प्लांट सोर्स से मिलता है, प्लांट सोर्स से। तो प्लांट्स फूड, तो इसमें क्या होता है, इसमें ग्रीन येल्लो ले लो। तो ग्रीन में क्या हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल यानी कि पालक, और येल्लो फ्रूट में पपाया हो गया, मैंगो और पम्पकिन। पपाया बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, पपाया येलो फ्रूट और पम्पकिन, तो ये हो गया, पपाया को बहुत बार पूछा हुआ है। ग्रीन येलो, ग्रीन में ग्रीन लीफी वेजिटेबल यानी कि स्पिनेच, पालक, येलो फ्रूट, पपाया, मैंगो, पम्पकिन। फिर रूट में हम क्या ले लेंगे, कैरोट, कैरोट ले लेंगे, येलो येलो। तो ये बहुत बार मतलब बहुत बार पूछ जाता है, रेटिनॉल का रिसर्च सोर्स बताओ, मतलब ये एनिमल फूड से मिलता है, प्लांट फूड से। तो रेटिनॉल किस फूड से मिलता है, एनिमल फूड से। तो ये सबसे रिसर्च सोर्स इसका क्या होता है, हेलीबर्ट फिश लीवर ऑयल। और प्लांट में, प्लांट से क्या क्या होता है, ग्रीन येलो, ग्रीन में पालक और येल्लो में पपाया, और उसके बाद क्या हो गया, और रूट और कैरोट, ये सब होता है, पपाया, मैंगो, पम्पकिन, सारे के सारे ये सोर्स है विटामिन ए का। अब हम देखते हैं विटामिन ए का फंक्शन, विटामिन ए का फंक्शन क्या होता है। तो पहला फंक्शन है रेटिनॉल पिगमेंट को बनाता है। विटामिन ए क्या करता है, रेटिनॉल पिगमेंट को बनाता है, और रेटिनॉल पिगमेंट को बनाता है, रेटिनॉल पिगमेंट का बनाना सबसे मेन फंक्शन। तो रेटिनॉल पिगमेंट मतलब क्या, किस चीज़ में हेल्प करता है, तो विजन इन डिम लाइट, डिम लाइट में देखने में हेल्प करता है रेटिनॉल पिगमेंट। तो पहला फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन क्या है, ये क्या करता है ना, जो भी एपिथेलियम लाइनिंग होता है, जो भी ट्रक का, जैसे कि इंटेस्टिनल ट्रक हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रक, यूरिनरी ट्रक, स्किन, आई, तो सारे ट्रक के इंटेस्टिनल लाइनिंग के इंटीग्रिटी को और फंक्शन को क्या करता है, इंटीग्रिटी और फंक्शन को मेंटेन करके रखता है विटामिन ए। ठीक है, तो पहला फंक्शन है रेटिनॉल पिगमेंट को बनाना। रेटिनॉल पिगमेंट किस लिए, मतलब किस में हेल्प करता है, विजन इन डिम लाइट। और दूसरा फंक्शन है जितने भी ड्रग है उसके एपिथेलियम लाइनिंग को मेंटेन करके, उसके इंटीग्रिटी और फंक्शन को मेंटेन करके रखना, जैसे कि इंटेस्टिनल ट्रक, रेस्पिरेटरी ट्रक, यूरिनरी ट्रक, स्किन, आई, सब के इंटेस्टिनल लाइनिंग के इंटीग्रिटी और फंक्शन को मेंटेन करके रखता है विटामिन ए। तो दो फंक्शन हो गया। फिर उसके विटामिन को हम कैसे एक्सेप्ट करेंगे, विटामिन ए डिफिशेंसी को, तो फिर इसमें देखेंगे, अगर सीरम रेटिनॉल लेवल लेस देन 10 MC मिली माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर होगा तो विटामिन ए डिफिशेंसी है। विटामिन ए डिफिशेंसी से क्या होता है, तो जेरेप्थेलमिया होता है, और ये जो यहाँ रेटिनॉल पिगमेंट का अगर कमी होता है तो यहाँ पे क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो थैंक यू।